हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग आ गए हैं अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट में, और बाहर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रहा। वैसी गाय घूम रही है यहाँ पे भी, बट इनके गलों में बस बेल नहीं है। तो प्लान ये है कि अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर फेस टू, और वहाँ से ट्रैक करके जाएंगे फ्रोजन लेक पे। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे व्लॉग में, आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। निकल गए हैं हमारे होटल से और अब जा रहे हैं गंडोला स्टेशन, वहाँ से लेंगे हम टिकट्स। और अहमद भैया जो गाइड हैं वो भी आ गए हैं। जब इनको पता चला कि हम लोग गुलमर्ग आए हैं तो उन्होंने बोला है कि इस बार भी वही हमें घुमाएंगे अपने साथ, और आ गए हैं वो। तो लास्ट टाइम जब हम विंटर्स में आए थे तो भी हमें अहमद भाई ने घुमाया था। कैसे हो अहमद भाई? गुड। हमारे होटल से गंडोला स्टेशन था अराउंड 2 किलोमीटर्स, तो हम तो गए थे कार से, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो वॉक करके भी जा सकते हो या फिर पोनी राइड करके भी जा सकते हो। तो यहाँ हमने पीछे अब गाड़ी पार्क कर दिया है और अब जा रहे हैं हम वॉक करके गंडोला स्टेशन तक। तो आज हम लोग अच्छे से पैक होकर आए हैं, हमने लेयरिंग कर ली है थोड़ी सी, और जैकेट शिखर के बैग में डाल दी है। यहाँ पे ही हमें इतना ठंडा लग रहा है, पता नहीं फेस 1 फेस 2 में जाके क्या हाल होगा। और हमें तो अभी ट्रैक करना है फेस 2 से, अगर मौसम सही रहा तो फिंगर्स क्रॉस। आई होप कि हम लोग आज फ्रोज़न लेक देख पाएँ, क्योंकि सेकंड टाइम आए हैं हम यहाँ गुलमर्ग सिर्फ फ्रोज़न लेक देखने के लिए, और एकदम अलग लग रहा है इस टाइम। विंटर्स में बिल्कुल अलग लग रहा था ये स्टेशन। तो हमने गुलमर्ग से फेस 1 खुंगडोरी स्टेशन तक का टिकट ले लिया था, जिसके लिए हमने पर पर्सन पे किया 700 रुपीज़। आप ये टिकट्स ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑन द स्पॉट भी ले सकते हो, और ध्यान रखिएगा कि बोर्डिंग टाइम है 9 AM से 3 PM तक और क्लोजिंग टाइम है 5 PM। फेस 2 जो कि है खुंगडोरी से अफरवत के बीच की, उसका टिकट अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो वो आप फेस 1 से परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस है 900 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आपको अपने ट्रैक के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेना है तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा कि वो आप सिर्फ फेस 1 से ही खरीद सकते हो, क्योंकि फेस 2 में आपको कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी से ही सेकंड फेज के लिए इतनी लंबी लाइन लग गई है, और हम लोग वैसे पहुँच गए हैं फेस 1 में, और ये वाली ट्रॉली लेके अब हमें जाना है फेस 2 में जो कि है वहाँ ऊपर। तो फेस 1 मैं अभी बाद में एक्सप्लोर करूँगी, तो अभी का एजेंडा है कि हमें फटाफट फेस 2 के लिए टिकट्स लेनी है, और सबसे पहले फेस 2 जाना है, वरना वहाँ की फिर जो रोप है वो बंद हो जाती है बहुत जल्दी। ये तो मैं बाद में भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो अब हम लोग निकल गए फेस 2 के लिए, और लास्ट टाइम विंटर्स में हम आए थे इसलिए उस टाइम ये फेस 2 वाली राइड नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा बर्फ़ फेस 1 में ही थी कि ऊपर जाना फिर सेंसिबल था ही नहीं, और उस टाइम बंद भी थी। तो आज फाइनली हमें मौका मिल गया है। फ्रोजन लेक का ट्रैक आप इजीली 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो। वैसे तो इस पूरे ट्रैक का डिस्टेंस है अराउंड 13 किलोमीटर्स का, जो कि स्टार्ट होता है गुलमर्ग से वाया किलिन मार्ग, अलपत्थर रिज, और फिर लास्ट में अलपत्थर लेक, जिसको फ्रोजन लेक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप ये पूरा 13 किलोमीटर्स का ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो आप लोग हमारी तरह गंडोला फेस 2 से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, फेस 2 में आते ही पूरा फॉग क्लियर हो गया, और आप यहाँ देखिए कितना फॉग है, जो ये रोप पे आ रही है देखिए कितना फॉग है, और निकलते ही बाहर पूरा फॉग क्लियर। तो ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं गाइस, ये स्कीइंग और स्लेज के लिए रुके हुए हैं, और हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है, और यहाँ पे ठंडा है, साथ में हवा चल रही है इसलिए बहुत ठंडा लग रहा है। हाथ फ्रीज हो गए अभी से।
तो भैया अपने घर से लाए हैं ये, उनके खेत में होते हैं मक्के, और भैया ने बोला चलते चलते खाओ। अभी हमें थोड़ा सा ही देर हुई है चलने में और हमने खाना पीना शुरू कर दिया। अभी मोटी ने बस वहाँ से लेके यहाँ तक चली और थक गई है। ये खाना नहीं है, ये भी एंजॉय है। भैया कह रहे हैं ये खाना नहीं है, ये एंजॉय ऐसा ही है। क्या व्यू है यार। अभी जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। तो भैया अपने घर से अखरोट भी लेकर आए हैं, और ये इतना प्यारा अखरोट है, इतना सॉफ्ट कि हाथ में टूट जा रहा है। नया है और फ्रेश है। फ्रेश अखरोट, तो ये फ्रेश अखरोट खाते हैं इस मक्के के साथ। अलपत्थर लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है, इसलिए जब भी आप इस ट्रैक को करें आप अपने ओन पेस में करें, अपनी बॉडी को ज़्यादा फोर्स ना करें। साथ ही में अपने साथ इनफ वाटर और लाइट स्नैक्स कैरी करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम एनर्जी मिलती रहे। वैसे तो आप ये ट्रैक थ्रू आउट द ईयर कर सकते हो, लेकिन मिड नवंबर से लेकर के मिड जून तक ये लेक पूरी फ्रोजन रहती है। तो अगर आपको लेक को स्नोई बैकग्राउंड के साथ देखना है तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज जून एंड से लेकर के सितंबर के बीच में इस लेक को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि उस टाइम आइस पिघलना शुरू हो जाती है। साथ ही में आप इस पूरे ट्रैक में ब्यूटीफुल मेडोज और फ्लावर्स को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी ये वाला थोड़ा इजी हो गया है एज कम्पेयर टू जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो ग्राउंड में रेड रेड ग्रास है। पहले यहाँ पे फूल थे आज से 4-5 हफ्ते पहले, बट अब सब मुरझा गए हैं। और अभी हमें जाना है वहाँ टॉप पे, ये लास्ट चढ़ाई है अभी हमारी। और उसके बाद फिर हमें नीचे उतरना है, फिर ग्राउंड आ जाएगा और फिर हम पहुँच जाएंगे लेक में। तो अब पीछे का व्यू देखियो गाइस, पूरा चेंज हो गया है, अब कुछ नहीं दिख रहा नीचे का। शेफाली बहुत स्ट्रांग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना चढ़ पाएगी, बट अच्छा कर रही है वो। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी आर्मी ने बंकर बनाया होगा, क्योंकि इस तरफ अगर आप रोड देखें तो ये आर्मी की रोड है। तो मैंने जब ट्रैक स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा सा, लेकिन जितना ऊपर आ रही हो उतना और मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत पीसफुल है ये जगह। और थोड़ी सी हालत ख़राब हुई मेरी स्टार्टिंग में, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स हो गया मेरे को, अब मुझे मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है फटाफट जाऊँ अब लेक के पास। थोड़ा सा एनर्जी के लिए अब बनाना खा रहे हैं हम लोग। सिंस ये सिर्फ एक वन डे ट्रैक है, इसलिए आपको अपने साथ ज़्यादा कुछ पैक करके लाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग शूज़ ज़रूर पहन लीजिएगा, और साथ में पर पर्सन 2 लीटर्स ऑफ वाटर और कुछ लाइट स्नैक्स जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर एनर्जी बार कैरी करना मत भूलिएगा। फाइनली हमारी चढ़ाई ख़त्म हुई और अब प्लेन एरिया आ गया है। तो गाइस 2-3 बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले कि यहाँ पे गाइड लेके ज़रूर आइएगा, बहुत सारे लोग हैं आप में से या जो पहले भी गुलमर्ग आ चुके होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि गाइड क्यों, ऊपर क्या अट्रैक्शन है। तो गाइड का ये फ़ायदा है कि आपको लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा, जो गाइड हैं वो ऑलरेडी आपके लिए टिकट ले लेंगे, तब तक आप लाइन में लग करके अपना उतना टाइम जो है वो सेव कर लोगे। प्लस जैसे अभी हमें फ्रोज़न लेक जाना है तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि रास्ता कहाँ से है। चलो रास्ता पूछ के भी चले जाओगे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, कितने सारे फूल के नाम बता दिए भैया ने, कितनी सारी बातें बता दी, अपने घर से खाना बना के लाए हैं कश्मीरी, अभी लेक साइड पे जाके हम पिकनिक करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गाइड करने के बाद ही आपको मिलेगी।
तो गाइड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लोग भी आओ तो गाइड ज़रूर करिएगा। तो अब उस पॉइंट पे जाके लेक दिखेगी हमें ऊपर से, तो देखते हैं ऊपर से फर्स्ट व्यू कैसा आता है। तो गाइज ये जो छोटी सी आपको पहाड़ी दिख रही है ना, इसमें पता नहीं इतना क्लियर दिखता है कि नहीं दिखता है, उसमें हमें नजर आ रहे हैं बंकर्स। तो भैया ने बताया अभी कि वो लास्ट LOC पोस्ट है, और ये रास्ता है जो ये मिलिट्री का रास्ता है जो वहीं जाता है। तो ये रही गाइज फ्रोजन लेक, थोड़ी सी धूप आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, फिर वहाँ पे भी देखने को मिलेगी अच्छे से शेड्स, बर्फ भी दिखा ले, और हल्की हल्की सी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई है। तो यहाँ पे और कोई टूरिस्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, सिर्फ मैं और शिखर हैं और भैया हैं, तो हम फर्स्ट टूरिस्ट हैं जो यहाँ लेक तक पहुँचे हैं। जनरली कोई यहाँ पे आता नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गाइड लेकर के यहाँ तक ज़रूर आओ। गुलमर्ग आ रहे हो इतने पैसे खर्च करके, तो यहाँ पे आना भी वर्थ है। और मैं अहमद भैया का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग जब भी कभी गुलमर्ग आओ तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अब ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, और नीचे आप फ्लावर्स भी देखो, ये सारे पर्पल थे, अब ये सारे रेड हो चुके हैं। दिस चार्मिंग हाई एल्टीट्यूड लेक इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द ट्विन अप पर्वत पीक्स। इस लेक का अनमैच्ड लैंडस्केप और लेसर क्राउड कहते हैं कि कनाडा की फेमस लेक लुइस को रिजेंबल करती है। और अब बात करें इसके डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मैं इसे एक मॉडरेट कहूँगी। तो शिखर तो पहुँच गया लेक साइड, और मैं भी जा रही हूँ बस वहीं पे, हम पिकनिक करेंगे अभी। तो बीच में मुझे रुकना पड़ गया था बैटरी चेंज करने के लिए। हेलो शिखा, कैसा लग रहा है? वाओ, तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ अलपत्थर लेक, जिसको फ्रोजन लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो समर्स में तो यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो ट्रैक करके, लेकिन विंटर्स में ये लेक पूरी फ्रोजन होती है, और बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से भी आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। लास्ट टाइम भी जब हमें अहमद भैया ने बताया था कि यहाँ पे एक फ्रोजन लेक है, तो हमारा बड़ा मन था कि हम समर्स में अगर हम इंडिया में ही रहे तो हम ज़रूर विज़िट करेंगे। तो फाइनली आज मैंने भी ट्रैक किया और यहाँ तक पहुँची मैं पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक नई माइलस्टोन है मेरे लिए तो ये। और पिकनिक का सेटअप हम लोगों ने तैयार कर दिया है, अभी हम पिकनिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रोजन लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है, जिसका एल्टीट्यूड है 14,500 फीट अबव सी लेवल। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की कितनी कमी है, और जिनको अस्थमा होता है या जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये ट्रैक रिकमेंडेड नहीं है। तो यंगस्टर्स हो, अगर आप लोग फिट हो तो आप आ सकते हो, और गुलमर्ग आते हो तो प्लीज़ ज़रूर आना, यहाँ पे 100% रिकमेंड करूँगी, और गाइड लेकर के आना ताकि वो आपको आसपास के बारे में भी इंटरेस्टिंग बातें बताते रहें। तो अहमद भाई की वाइफ ने हमारे लिए घर से कश्मीरी खाना बना के भेजा है, तो ऑमलेट और पराठे भैया लेकर आए हैं, और हम लेक साइड अभी पिकनिक करने वाले हैं। तो हमने अपना पिकनिक का सेटअप बना दिया है यहाँ पे। तो ये है ऑमलेट, ये है पराठा। हमने हमारी ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट कर दी है, शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग रोड पे जाने के लिए। तो हम लोगों ने अब इतना ट्रैक कर लिया है,
और धूप भी आ गई है अब, जब हम नीचे थे तब धूप नहीं थी। तो अब कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है वहाँ का। और हमारे बाद भी अभी कुछ टूरिस्ट गए हैं वहाँ पे, तो हम लोग लास्ट नहीं है, कोई है हमारे बाद भी। तो भैया अखरोट लाए थे अपने घर से और यहीं तोड़ रहे हैं अब इसको। अभी हम अपने गेस्ट को दे देंगे इस फले को। थैंक यू भैया, खाएंगे इससे बहुत मजा आएगा। और एक तोड़ेंगे हम भैया के लिए, शेखर के लिए। तो हम लोग आ गए वापस फेस वन में और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो आ गए हम लोग अपनी गंडोला राइड करके वापस। तो अब प्लान है स्ट्रॉबेरी वैली विजिट करने का, तो आपको वहीं ले चलती हूँ। स्ट्रॉबेरी वैली को आइडियली विजिट करने का टाइम है मार्च से लेकर के जुलाई के बीच का, जिस टाइम आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज खरीद के खा भी सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लास्ट टाइम विंटर्स में आए थे तो लास्ट टाइम भी हमने मिस कर दिया था, तो इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ स्ट्रॉबेरी वैली का भी व्यू शेयर किया जाए। तो हम लोग आ गए हैं अब स्ट्रॉबेरी वैली और इस तरफ है जहाँ पे ये लोग पोटैटोज और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती है वो लगाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे पोटैटोज लगे हुए हैं और भैया हमें लेकर आए हैं यहाँ पे फिर से थोड़ी पिकनिक करने के लिए, क्योंकि ऐसा हमें दिल्ली में तो मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ पीछे वो आग जला रहे हैं और हम लोग वहाँ पे थोड़े भुट्टे भुट्टे गर्म करेंगे और रोटी सब्जी कुछ है तो वो खाएंगे। तो हमने यहाँ पे भुट्टा रखा था अभी, तो ये दो तो अभी अभी रखा है, ये वाला तैयार हो गया है। हो गया? हाँ, तो ये वाला तैयार हो गया है। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कश्मीर सीरीज़ के एक और नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।